टिकट ना होने की वजह से टीसी ने बाबाजी को ट्रेन से उतार दिया और उसके बाद ट्रेन टस से मस नहीं हो रहा था, तो टीसी ने अपनी गलती की माफी मांगी और बाबाजी से निवेदन किया कि वो ट्रेन में आकर बैठें, जिसके बाद ट्रेन चली। फेसबुक और एप्पल कंपनी जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है, इस कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता अगर इनके मालिक इस बाबा से न मिले होते। तो आज के जिस दौर में कई सारे बाबा अपने करतूतों से देश का नाम बर्बाद करके जेल की हवा खा रहे हैं, उस दौर में ये बाबा जी ने अपने देश की संस्कृति को बचाया। क्या सच में बाबा नीम करोली स्वयं हनुमान जी के अवतार थे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे चमत्कारी बाबा, जिन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है, और उनके 10 चमत्कारों के बारे में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जब साल 2011 में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स की मौत हुई, तब उनके तकिए के नीचे से एक फोटो निकला और वो फोटो भारत के आदमी का था जिनका नाम था नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा इतने ज्यादा प्रख्यात थे कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में उनके भक्त मौजूद हैं। स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा के भक्तों में शामिल हैं। लेकिन आखिर इन बाबा के अंदर ऐसा क्या था कि दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग उनके भक्त हो गए? नीम करोली बाबा का पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ है और आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे ही चमत्कारों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स अपने जीवन में बहुत बुरी तरह से परेशान थे, तब वो साल 1974 में भारत आए। भारत आकर वो उत्तराखंड में स्थित कैची धाम में गए। कैची धाम आने का स्टीव जॉब्स के जीवन में इतना प्रभाव पड़ा कि यहां से वापस जाते ही उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना कर दी और आज एप्पल कंपनी किस मुकाम पर है ये बात तो हर कोई जानता है। नीम करोली बाबा के इस कैची धाम पर गूगल के फाउंडर लैरी पेज और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी आ चुके हैं और उन्होंने खुद इस जगह की अलौकिकता का वर्णन किया है। फेसबुक अपने शुरुआती दौर में बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था, तब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने अपने मेंटर स्टीव जॉब्स से सलाह मांगी और उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को भारत में कैची धाम आने की सलाह दी। मार्क जुकरबर्ग ने नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग में खुद इस बात को कबूल किया है कि कैची धाम से वापस लौटने के बाद उनके जीवन में हर चीज पॉजिटिव होने लगी और देखते ही देखते फेसबुक आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। जिस समय मार्क जुकरबर्ग ने ये बात मीडिया के सामने बताई, उसे सुनकर खुद नरेंद्र मोदी भी हैरान थे। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है नीम करोली बाबा का कैची धाम, जहां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। इस स्थान को बाबा नीम करोली ने बनवाया था, जहां हनुमान जी की मूर्ति स्थित है, जहां आज भी भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन के लिए आते हैं। बाबा नीम करोली के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्होंने 11 साल की आयु में ही अपने घर का त्याग कर दिया क्योंकि वो इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके थे। लक्ष्मी नारायण से नीम करोली नाम पढ़ने के पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत आजाद नहीं हुआ और हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन था। घर छोड़ने के बाद बाबा नीम करोली जगह जगह भटकने लगे। एक बार वो ट्रेन के एसी कोच में बिना टिकट लिए चढ़ गए और जब टीसी ने उन्हें बिना टिकट के पकड़ा तो ट्रेन को बीच जंगल में रोककर ही बाबा नीम करोली को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा शांत मुस्कुराते हुए वही किनारे पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। टीसी और ट्रेन के ड्राइवर ने इस बात को समझने की बहुत कोशिश की कि आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर में कुछ लोगों ने टीसी को बाबा नीम करोली के चमत्कारों के बारे में बताया और टीसी को भी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्होंने उसके सामने दो शर्तें रखी कि जिस जगह पर उन्हें उतारा गया वहां पर एक स्टेशन बनाया जाएगा और कभी भी वो किसी भी साधु संत से इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। ट्रेन के टीसी ने बाबा नीम करोली की बात मान ली और उस जगह पर स्टेशन भी बनवाया गया जिसका नाम नीम करोली है और इसी स्टेशन के नाम पर उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा। ये तो बाबा नीम करोली के चमत्कारों की शुरुआत मात्र थी। साल 1943 में बाबा उत्तर प्रदेश के एक गरीब दंपति के घर गए। वो दंपति बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस दंपति का बेटा ब्रिटिश सरकार की तरफ से बर्मा में जापानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। बाबा ने उन्हें के घर विश्राम करने का निर्णय लिया और जब रात में बाबा चारपाई में कंबल ओढ़कर सो रहे थे, तब उन दंपति ने ऐसा अनुभव किया कि बाबा बहुत ज्यादा दर्द से कराह रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो बाबा को कोई किसी हथियार से मार रहा हो, लेकिन उनके अंदर इतना साहस नहीं था कि बाबा की नींद खराब कर सके। अगले दिन नीम करोली बाबा ने उन्हें वो कंबल लपेट कर दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा जी में विसर्जित कर देना। और जब वो दंपति उस कंबल को लेकर गंगा जी में विसर्जन करने जा
जाने लगे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उस कंबल के अंदर बहुत सारा लोहा भरा हुआ है। उनका मन उसे खोलकर देखने का हुआ, लेकिन बाबा की बात काटने का उनके अंदर साहस नहीं था और उन्होंने उस कंबल को बिना खोले ही गंगा जी में विसर्जित कर दिया। नीम करोली बाबा ने उन्हें बताया कि आज से ठीक एक महीने बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा, जबकि उन लोगों ने बाबा को अपने बेटे के बारे में कुछ बताया भी नहीं। और इससे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ठीक एक महीने बाद उनका बेटा सच में घर वापस लौट कर आ गया और वापस आकर उसने जो बात बताई उसे सुनकर उन दोनों पति पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल जिस रात को बाबा उनके घर पर रुके थे उसी रात उनके बेटे की टुकड़ी पर दुश्मन देश की सेना ने हमला कर दिया था और उस हमले में उनके बेटे के सभी साथी मारे गए, लेकिन दुश्मनों की किसी भी गोली ने उनके बेटे को छुआ नहीं, जबकि उस रात पूरी रात अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। पति पत्नी समझ गए कि वो गोलियां किसी और को नहीं बल्कि नीम करोली बाबा को ही लग रही थी, इसलिए वो रात भर दर्द से कराह रहे थे। दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत जो उस समय के भारत के बहुत बड़े नेता थे, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। सभी न्यूज चैनल्स में यही खबर चल रही थी कि गोविंद वल्लभ पंत अब किसी भी हाल में नहीं बच सकते, लेकिन नीम करोली बाबा ने भविष्यवाणी की कि गोविंद वल्लभ पंत को कुछ नहीं होगा, अभी वो बहुत जिंदगी जीने वाले हैं। और हुआ भी वही, गोविंद वल्लभ पंत अपनी मौत के मुंह से वापस आ गए। नीम करोली बाबा से देश विदेश से लोग मिलने आते थे और एक आदमी उनके पास बांग्लादेश से आया जो उस समय पाकिस्तान हुआ करता था। उस आदमी को देखते ही कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत जल्द दुश्मन की गिरफ्त से रिहा होगा और वो देश पर राज करेगा। बाबा की बात सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के कैद में था और वहाँ की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन बाबा की भविष्यवाणी सच हुई और जिसके लिए बाबा ने भविष्यवाणी की थी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, और ये बात उनके छोटे भाई ने खुद बताई जिनसे बाबा ने ये बात कही। दोस्तों, एक बार बाबा ने शिप्रा नदी के पानी को ही घी में बदल दिया था। दरअसल उनके कैंची धाम में भक्तों के लिए प्रसाद वितरण चल रहा था और प्रसाद बनाते वक्त भी घी खत्म हो गया, जिसके बाद नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों को शिप्रा नदी का पानी भरकर लाने को कहा। और जब उनके भक्त बर्तनों में शिप्रा नदी का पानी भरकर लाए और ऊपर आकर उन्होंने देखा तो बर्तन में पानी नहीं बल्कि घी भरा हुआ था। इतने चमत्कारी थे बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली के सबसे बड़े भक्त रामदास, जिनका असली नाम रिचर्ड एल्पर्ट था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। शुरुआत में वो बाबा नीम करोली के भक्त नहीं बल्कि उनका टेस्ट लेने आए थे। एक दिन जब रिचर्ड आसमान की तरफ देखकर रो रहे थे तब बाबा ने उनसे कहा कि तुम अपनी माँ को याद करके रो रहे हो जिनकी मौत कैंसर से हुई थी। बाबा के इस बात को सुनते ही रिचर्ड उनके सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अमेरिका में सेवा फाउंडेशन की स्थापना भी की जिसे खुद स्टीव जॉब्स फंड देते थे। हॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार जूलिया रॉबर्ट ने तो बाबा नीम करोली की केवल फोटो देखकर ही हिंदू धर्म को अपना लिया। साल 1973 में बाबा नीम करोली ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो वो अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने खुद अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था और वो राम राम का भजन कर रहे थे। बाबा नीम करोली का मुख्य स्थान उत्तराखंड के कैची धाम में स्थित है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने वृंदावन में भी एक धाम की स्थापना की थी और यहीं पर उन्होंने अपनी देह का त्याग भी किया। इतने चमत्कारिक होने के बाद भी बाबा नीम करोली ने खुद को कभी भगवान से कंपेयर नहीं किया, जबकि लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन वो स्वयं को एक इंसान ही समझते थे। दोस्तों, आज भी उनके कैंची धाम में अमेरिका, फ्रांस और दुनिया के कई हिस्सों से लोग घूमने के लिए आते हैं और आज भी विदेशों की बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा नीम करोली को अपना गुरु मानते हैं। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली के कौन से चमत्कार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया कमेंट्स में जरूर बताइए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।